मूवमेंट के लिए मैं 3 साल से वेट कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ से डर रहा था इवेंट से पहले कि अगर सिल्वर आ गया, ब्रॉन्ज आ गया तो मेरे को पछतावा होगा, मुझे पछतावा नहीं चाहिए और ये पछतावा मुझे खा जाएगा। गोल्ड तो चाहिए यार, नहीं तो मेरे से इंडिया नहीं जाया जाएगा वापस। इनका जुनून, इनकी मेहनत, इनका डिसिप्लिन ने आज स्पोर्ट्स साइंस को चैलेंज किया है और इन्होंने जो जंप लगाया है वो जंप नहीं था, वो उड़ान थी। पहले मैंने सोचा नहीं था कि ये सब ये पल भी आएगा। मैं बस अपना पर्सनल बेस्ट सोच रहा था कि मुझे पर्सनल बेस्ट करना है, लेकिन अभी मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं अपने आप को कैसे बोलूं, बताऊं कि मैं कितना खुश हूं अंदर से। जब 2.08 फर्स्ट अटैम्प्ट में लगा तो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब शायद मेरा गोल्ड लग जाएगा। उसके बाद 2:10 पर अटैम्प्ट लिया, सर ने बोला था कि अपना पर्सनल बेस्ट करना और कुछ मत सोचना, तो मेडल वेडल आए ना आए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पर्सनल बेस्ट होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम। अभी आप खड़े हुए जी और पोडियम पे और नेशनल एंथम बजा, वो फीलिंग कैसी थी? विदेशी सरजमी पे, पेरिस की सरजमी पे, भारत का राष्ट्रीय गान। ये सर, इस मूवमेंट के लिए मैं 3 साल से वेट कर रहा हूँ कि ये वाला कि मेरा नेशनल एंथम, मेरे देश का राष्ट्रीय गान मेरी वजह से बज रहा है और मेरी वजह से आज मैं पहली बार ओलंपिक्स में, जो मेरा सपना है वो मेरा पूरा साकार हुआ है, तो वो वाली फीलिंग तो मैं कभी नहीं भूल सकता सर, इसके लिए मैंने बहुत वेट किया है। यहाँ पर हमें अगर आप ये बताएं, पिछले बार सिल्वर था, इस बार गोल्ड था, तो क्या पिछले बार सिल्वर वाले को हमेशा ये होता है कि यार गोल्ड रह गया, इस बार वो कसर पूरी कर दी आपने? हाँ सर, मैं इस चीज़ से डर रहा था इवेंट से पहले कि अगर सिल्वर आ गया, ब्रॉन्ज आ गया तो मेरे को पछतावा होगा, मुझे पछतावा नहीं चाहिए और ये पछतावा मुझे खा जाएगा। तो मैंने सोचा था कि गोल्ड तो चाहिए यार, नहीं तो मेरे से इंडिया नहीं जाया जाएगा वापस सही से। और इस जीत पे हमेशा जब कोई गोल्ड मेडल जीता है, मेडल जीता तो मोदी जी हमेशा बात करते हैं, वो कितनी प्राउड फीलिंग होती है कि प्रधानमंत्री खुद देश का फोन करता है और आपकी सराहना करता है, प्रशंसा करता है? सर, अपना जो मोटिवेशनल माइंड होता है ना, वो डबल होता है मेडल के लिए। फिर नरेंद्र मोदी जी से बात करने के बाद मतलब मैं पूरा कॉन्फिडेंस में था कि मेरे को बस अब की बार लाना है यार, लास्ट टाइम छूट गया था लेकिन यार इस बार तो जरूर लाना है, अब तो जरूर लाना है पक्का। तो मेडल के बाद देश को क्या संदेश देंगे? मैं बस उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आज उनके प्यार और उनकी दुआ की वजह से आज मैंने गोल्ड मेडल जीता है। इसका श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय मैं अपने इंडिया, अपने कोच और अपनी पूरी पैरालंपिक टीम एंड अपनी फैमिली को देना चाहूँगा। देखिए, प्रवीण ने इतिहास बनाया है और मैं इसलिए कहूँगा कि साइंस से आगे जाकर के काम किया। स्पोर्ट्स साइंस ये कहता है कि 2.08 जो जंप लगाना, हाई जंप लगाना है, वो कम से कम उसके लिए 6 फीट हाइट होनी ज़रूरी है, लेकिन प्रवीण की हाइट सिर्फ मेरे ख्याल से 5 फीट 6 इंच है सिर्फ। लेकिन इनका जुनून, इनकी मेहनत, इनका डिसिप्लिन ने आज स्पोर्ट्स साइंस को चैलेंज किया है और इन्होंने जो जंप लगाया है वो जंप नहीं था, वो उड़ान थी और वो देश के लिए गोल्ड मेडल था, वो उड़ान गोल्ड मेडल के लिए उड़ान लगाई प्रवीण ने। इनके कोच को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और ये भारत के लिए 6ठा गोल्ड मेडल है, ये ऐतिहासिक प्रदर्शन है इंडिया के लिए, क्योंकि इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में हमने 5 गोल्ड मेडल जीते थे। और आपने खैर अब तो 25 को भी पार कर दिया, तो लगता है 30 के पार आंकड़ा जाएगा? देखिए, हमारा जो लक्ष्य लेकर के आए थे हम और हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो आज भी मुझे याद है मीडिया ने मुझे कहा कि देवेंद्र जी आप 25 कह रहे हो, आपका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा है ये? तो मैंने जवाब दिया था, मेरे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग बोल रही है, हमारी ट्रेनिंग प्लान बोल रही है, जो खिलाड़ियों के अंदर हौसला है वो बोल रहा है। आज वो सपना साकार हुआ है, हमारा टारगेट 25 प्लस का है, वो 27 जाएँ, 28 जाएँ, 30 जाएँ, वो देश के लिए बड़ी उपलब्धि है।